स्थानीय थाने ने न्याय न मिलने पर पीड़िता और गर्भवती महिला विकास भवन में बैठी धरने पर। जहां आपको बता दें कि मामला रायबरेली जनपद के उजाहार थाना क्षेत्र के पट्टी रहस कैसवल का है, जहां की रहने वाली सीता देवी धरने पर बैठे हैं। धरने का आज दूसरा दिन है। बात करते हुए बताया गया कि आज से लगभग 10 या 15 दिन पहले हमारे घर पर चोरों ने चोरी कर ली थी। जब मैं थाने पर शिकायत करने गई तो वहां पर मेरी सुनवाई नहीं हुई। मैं इधर उधर भटकती रही और फिर मैं डीएम कार्यालय के सामने धरने पर बैठी, लेकिन वहां पर मुझे नहीं बैठने दिया गया। इस वजह से मैं विकास भवन में धरने पर बैठी हूं और कहा मेरे पति मजदूरी करते हैं, मेरे 4 बच्चे हैं, क्या करूं और कहां जाऊं। अब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा, तब तक मैं यहीं पर बैठी रहूंगी। फिलहाल पुलिस ने इसे जमीनी विवाद बताया है। अब देखना यह होगा कि महिला को न्याय कब मिलता है। प्रदेश में योगी सरकार लगातार लाइन ऑर्डर मजबूत करने के दावे करती है और महिला सशक्तिकरण पे मेन फोकस करती है, लेकिन अगर अब बात करें रायबरेली जनपद के ऊंचाहार की, तो रायबरेली जनपद के ऊंचाहार थाना क्षेत्र की आप देख सकते हैं कि धरने स्थल पे बैठी हैं और ये धरना स्थल का दूसरा दिन है। ये रायबरेली जनपद के ऊंचाहार थाना क्षेत्र की पट्टी रहस कैथवाल की रहने वाली हैं। थाना ऊंचाहार है, इनका नाम है सीता देवी और पुतान इनके पति हैं। फिलहाल इनका जो मामला है, इनका कहना है कि मामला है कि मेरी ही ज़मीन पे मुझे नहीं रहने दिया जा रहा है और दबंग परेशान कर रहे हैं, पुलिस भी परेशान कर रही है। फिलहाल सरकार जिस तरह से महिला सशक्तिकरण के दावे करती है और अपराधों पे अंकुश लगाने की बात करती है, ये रायबरेली की ऊंचाहार पुलिस का जीता जागता सबूत है। फिलहाल हम इनसे बात करेंगे, इन्हीं से बात करेंगे क्या है पूरा मामला। क्या नाम है? सीता देवी। क्या है केस, ले आप धरने पे बैठी हैं? हमारे घर में चोरी हुई है, हमने एप्लीकेशन भी डाला थाने में, कोई सुनवाई नहीं। पुलिस ने कहा कि हम जांच में उसको नेकपाल भेजेंगे, नेकपाल अभी तक ना नेकपाल दिखाई दिया है ना कोई पुलिस सिपाही एक भी यहाँ। जब चोरी हुई है तो नेकपाल क्यों भेज रहे हैं? अब पता नहीं साहब किस लिए भेज रहे हैं, कहा इसका नेकपाल ही मुआयना करेगा। कौन सा गांव है आपका? पट्टी रहस कैथवल। फिर आगे क्या हुआ, क्या कह रही थी? फिर हम रायबरेली आए, कप्तान के यहाँ भी एप्लीकेशन डाले, जिला अधिकारी के यहाँ, डीएम एसडीएम सब हो गया, कोई भी सुन नहीं रहा। डीएम के यहाँ भी धरने पे बैठे थे जी, वहाँ से भगा दिया गया। क्या कहा गया, कौन भगा दिया वहाँ से? वहाँ से एसडीएम साहब ने कहा कि यहाँ से चली जाओ, यहाँ क्या है, यहाँ कुछ नहीं है या कोई बैठने की जगह नहीं, हमारा रास्ता रोक रही है। कब से बैठी हैं धरने पे? हम 7 तारीख से बैठे हैं, आज दूसरा दिन है, 2 दिन छुट्टियाँ थी। तो कोई आया आपके पास? नहीं आया। कोई नहीं आया? नहीं जी। किसी का फोन फान नहीं हुआ? नहीं, कोई किसी का। ऊंचाहार पुलिस क्या कह रही है? ऊंचाहार पुलिस कुछ नहीं कह रही है अभी तक। अगर न्याय न मिला तो क्या करेंगे? हम बैठे रहे आप, जब तक न्याय नहीं मिलेगा। ये जो आप चोरी का आरोप लगा रही हैं, जानती है किसी को, किसी ने चोरी किया? हाँ जानते। कौन है? उसका नाम है राम प्रकाश। राम प्रकाश, कितने की चोरी हुई है, क्या क्या सामान गया है? सरसों 1 क्विंटल तक रही है और 5-6 बोरी गेहूं और सारा सामान घर के और जो कुछ रहा है सारा सफाई कर लिया है, दरवाजा भी उखाड़ कर उठा ले गए हैं। किस दिन चोरी हुई थी ये? चोरी हुई 10-15 दिन। पीड़ित महिला धरने पे बैठी है, ये महिला सशक्तिकरण का जीता जागता सबूत है। लेकिन महिला का जो आरोप है, महिला कह रही है कि मेरे घर पे चोरी हुई है, लेकिन फिलहाल जो ऊंचाहार पुलिस है उसका कहना है कि इनका जमीनी विवाद है, इस वजह से ये आरोप लगा रहे। फिलहाल सच्चाई क्या है ये तो पुलिस जांच करेगी, तभी पता चलेगा। सोनू एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, रायबरेली।